धरती कांपने लगी, समुद्र मर्यादा भूल गया, अंतरिक्ष में निहारिकाएं आपस में टकराने लगी, दुपट्टा नीचे गिरा। ये धरती जो है भगवान की पत्नी है, और ये सोचती ये तो बड़ा झूठा है, इसने भी मेरे से एक वचन दिया था मुझे कि मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना करूंगा, मैं कुप्रथा का नाश करूंगा, मैं अत्याचारियों का वध करूंगा, परित्राणाय साधु नाम, मैं साधुओं का दुख हरूंगा, विनाशाय च दुष्कृतम, जो विनाशक हैं विकृत हो गए हैं मैं उनका नाश कर दूंगा, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की संस्थापना करूंगा। काकी ये मुझे वचन दिया था, और कुछ दिन पहले 5 दिन पहले इसने प्रतिज्ञा की थी मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये भूल गया। भगवान का दुपट्टा जमी पर गिरा, मानो धरती को समझाया कि चुप हो जा, ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। भगवान किसी भी सूरत में अपने भक्त की वाणी को व्यर्थ नहीं जाने देता। भगवान कहते मेरी लाज जाए तो जाए, मेरी वाणी जाए तो जाए, मेरी भक्त की वाणी नहीं जानी चाहिए। जो ही गोविंद ने चक्का उठाया, पितामह भीष्म ने हाथ जोड़ दिए। मेरे नारायण, पितामह कहते कि कृष्ण प्रतिज्ञा तुमने भी की थी, मैंने भी की थी, पर हे सर्वेश्वर प्राणाधार, तुमने मेरी रक्षा की, मेरे वचन रखे। कृष्ण मैं एक बात पूछता हूं, मुझे याद है अपने 122 जन्म मैं अखंड बाल ब्रह्मचार्य उर्द रहता हूं, मैंने कभी भी कंचन और कामनी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मेरी ये गति क्यों हुई? एक कारण पितामह भीष्म ने बताया, दुर्योधन के घर का अन्न खाया। एक कारण अब कृष्ण बता रहे, पितामह 122 वर्ष पूर्व भी आप राजा थे, नगर में कहीं भ्रमण के लिए जा रहे थे, अपने रथ पर आरूढ़ थे, मार्ग में सांप था अजगर, आपने अपने धनुष के टोकर से तीर से उसको उठाया, किनारा किया, झाड़ी में फेंका, वो किसी कांटली झाड़ी में फंस गया आपके फेंकने से। पितामह वो इस जन्म में आपको भोगना पड़ रहा है, हम जैसे कर्म करेंगे भोगना पड़ेगा। मेरे नारायण, पितामह भीष्म कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण माघ संक्रांति आ गई, सूर्य नारायण उत्तरायण हो गए, अब मैं देह का त्याग करना चाहता हूं, जब तक मैं देह का त्याग ना करूं खड़ा रहना, यहां से तो जाना पड़ता है सबको, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, सबको जाना है, और सबको हमको ये पता नहीं कि ये हमारा अपना नहीं है, इतना पता ज्ञान सबको है कि महाराज यहां कौन सा परमानेंट आई है, अपना नहीं है, हमको यहां से जाना है। ऐसा कौन अभागा होगा जो अपने घर जाने में खुश ना हो? होटल में रहो, किसी धर्मशाला में रहो, कितनी भी फैसिलिटी हो, कितनी भी सुविधा, पर अपना तो अपना होता साहब, उस होटल की 5 स्टार की सुविधा को ठुकरा तो उत्साहित रहता, मल्लालयित रहता है, प्रतीक्षा रहता, मैं कब अपने घर जाऊं, वहां के 56 व्यंजन फीके लगते साहब अपने घर की नमक रोटी के सामने, उस होटल के डल्लब के गद्दों में वो नींद नहीं आती साहब जो अपने घर के आंगन में एक फटी बोरी में आती साहब।
और वो हमारा अपना घर। पर हम कहीं ना कहीं जाते कुछ ना कुछ लेकर जाते ना, यहां से क्या लेकर जाएंगे? अलेक्जेंडर आक्रांता, सिकंदर, दुनिया को लूटा छोटी सी उम्र में, खूब धन इकट्ठा किया, भारत में प्रवेश किया, झेलम के तट पर पहुंचा, पोरुष से युद्ध हुआ। हमारे यहां इतिहासों में इतना छेड़खानी कराई गई, जो सिकंदर पोरुष से हारा है उसको कहा कि सिकंदर महान, और जिस पोरुष ने हराया नहीं, पढ़े लिखे लोगों को भी पोरुष का नाम मालूम नहीं कि पोरुष कौन था। इतिहासों में कभी झांक कर देखना चाहिए। और जो क्या करे, शुद्ध इतिहास भी तो नहीं मिलता ना, जो इतिहास लिखा वो कम्युनिस्टों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास है हमारा। जब झेलम से ही के तट से ही ये वापिस जा रहा था सिकंदर, रास्ते में बीमार हो गया, नहीं पहुंच पाया ये, और इसको पता युद्ध के लिए प्रेरणा किसने दी थी? इसके गुरु ने और ओरस्तु ने, महान दार्शनिक और ओरस्तु का शिष्य है ये सिकंदर। जब ये दुनिया को जीतने चला था तो इसने एक जगह अपने गुरुजी से, इसकी गुरुजी की इसकी बात हो रही तो ये कह रहे कि गुरुजी यदि मैं दुनिया को नहीं जीत पाऊं तो क्या करूं, करे किसी भारत के सन्यासी को उठाकर लेकर आना, दुनिया को जीतने की क्षमता है उनके पास, उनकी बुद्धि कौशल है। भारत की सन्यास की बुद्धि में सृजन और पालन और संहार की विद्या ही पलती है। पर जब ये वापिस जाने लगा, रास्ते में बीमार हो गया, अपने डॉक्टरों को बुलाया, इधर आओ, असहनीय दर्द हो रहा, मैं सहन नहीं कर पा रहा, मुझे कुछ ठीक करो। डॉक्टर कहते महाराज मेडिसिन काम करना बंद कर दी, कहते मुझे मेरे महल तक पहुंचा दो। कहते देखो जब तक श्वास चल रही है कह नहीं सकते कहां तक पहुंच पाओगे। जब सिकंदर को लग गया कि मैं मरने वाला हूं, उसने अपने ही रास्ते में आधे रास्ते में एक वसीयत बनाई। वसीयत क्या बनाई? मेरी अर्थी को सबसे पहले कांधा मेरा डॉक्टर देंगे। जब मेरे ऊपर कफन ओढ़ो उड़ाना, मेरे हाथ बाहर निकाल देना। जितनी संपत्ति मैंने कमाई ना, वो पैसे रास्ते में फेंकते हुए जाना। यहां भी फेंकते हैं ना, सब जगह कहे ना, सिक्के फेंकते हैं, पता क्यों फेंकते हैं? ले तूने ये कमाया था, साथ लेके जा, ये तेरी कमाई। पर क्या करे, साथ तो जाती नहीं है ना, कोई व्यवस्था नहीं जो यहां का जो वहां ट्रांसफर किया जाए। कब्र में कोई तिजोरी भी नहीं होती है, कफन में जेब भी नहीं है, और यदि हो भी तो यहां की कमाई वहां के काम नहीं आएगी। सिकंदर कहता है मेरे हाथ बाहर निकाल देना, मेरी जितनी संपत्ति रास्ते में फेंकते हुए जाना। पूछा ऐसा क्यों? कहता है कि मैं दुनिया को संदेश देना चाहता कि जो डॉक्टर मुझे जिंदा रखने का दावा करते थे वो भी मुझे नहीं बचा पाए। हाथ भार इसलिए निकालना कि मैं खूब इकट्ठा करना चाह रहा था, नहीं कर पाया। ये संपत्ति इसलिए फेंक देना, ये मेरे काम नहीं आई। मौत ने जमाने को क्या से क्या सिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में मिला डाला। याद कर सिकंदर के वो हौसले कवाली थे, जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे।
पर जाता क्या है जीव के साथ, क्या लेके जाता होगा? हम लोग भी आते कुछ ना कुछ लेके तो जाते ना, कथा में कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, कुछ शब्द लेके जाएंगे, कुछ संस्कार, कुछ आचरण, कुछ परंपरा, कुछ नहीं तो प्रसाद तो लेके ही जाएंगे, लेके तो जाना पड़ता है। पर यह जीव के साथ क्या जाता है? धर्मानुगच्छित जीवे भी एक, उसका धर्म ही उसके साथ जाता है। और भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण उत्तरायण में आ गए, पिता मां विश्व उस महा आकाश में समा गए, नारायण में समा गए। पांडव रोने लगे। ये संसार की यथार्थता है, यहां जाना सबको है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। राजा हो फकीर हो कोई भी हो, जाना ही पड़ेगा मेरे नारायण, यहां से जाना ही पड़ता है, जाएगा जब यहां से। बदलना